बेकसूर जो बेचारा मासूम बच्चा उसका बेरहमी से कत्ल हुआ, वो कत्ल जिसने किया, जो आरोपी को जल्द से जल्द सज़ा मिले, इसके लिए हमारे एडिशनल एसपी साहब खुद नांदेड़ से यहाँ पहुँचे। यहाँ के जो पुलिस स्टाफ था, पीआई साहब थे, पीआई साहब थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने सभी सहकारी किया और जो आरोपी था उसको पकड़ के लाए। और मैं सभी की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि जो गुनहगार है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ में जो भी यहाँ गुनहगार जो होंगे उसकी तपास पुलिस इंतरना पूरी करने वाली है। उन्होंने मेरे को वादा किया है, शाहिद भाई जितने भी लोग जो आरोपी रहेंगे, जो उसको सहकारी करे वाले होंगे, जो भी करा लेंगे उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। तो पुलिस की हमें को पूरा विश्वास है पुलिस पे, उन्होंने जाकर वहाँ पर चौकसी करेंगे। खास तौर पे एसपी साहब वहाँ से खुद ध्यान रखे वाले, उन्होंने खुद भी आने वाले और वहाँ से उनकी 5-5 मिनट को फ़ोन आ रहा है, मैं कुछ साथ में एडिशनल एसपी साहब साथ में मैं देख रहा हूँ। और गाँव में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मैं उनसे विनती करता हूँ कि भाई जिसकी जान गई उसको अपने को न्याय दिलाना है, उसको अपने को जिस आरोपी को छोड़ना नहीं है, इसलिए गांव का माहौल ना खराब करे। मैं विनती करता हूं, अपनी एक कोशिश है कि बेगुनाह को जो मारा गया है उसको सजा दिलाना है। एक नहीं मरा, दो जने मरे हैं, दो लोगों की लाश वहां पर हो वाली है, बेगुनहगार थे। इंशाल्लाह पुलिस वालों से मुझे उम्मीद है उन लोगों को जरूर सजा दिलाएंगे। और गांव बंद करने का ऐसे कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गाँव का माहौल खराब मत करो, सोशल मीडिया पे मत फैलाओ। हम लोग उसको अपना जो ये काम था कि उसको सजा दिलाना, उसको सजा दिला के रहेंगे। मेरे से उम्मीद रखो, इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ, मैं जितनी कोशिश है, मैं जब से 4 घंटे तक बैठे वाला हूँ, मेरे साथ में जो लोग सब यहाँ पर मीडिया वाले लोग भी बैठे वाले हैं, सब लोग बैठा ले, सब लोग सहकार कर रहे हैं। विनती करता हूँ कि किसी की अफवाह पे मत जाओ। आखिरी में ये बोलो, मेरे को देखने में आया कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने अफवाह फैला रहे कि कल गाँव बंद रखेंगे, कुछ करेंगे। मेरे को एसपी साहब का तो फोन आया कि हम आपको सहकार्य कर रहे हैं, हम आपको साथ दे रहे हैं, आरोपी को पकड़ रहे हैं, कुछ गांव का लोग कुछ बंद करने की कोशिश करेंगे, कुछ गांव का माहौल खराब होगा, तो अपने को एक तरफ कुछ होने की चीज दूसरी तरफ चलने की चीज। मैं विनती करता हूं कि जो लोगों ने जो लगाया वाला है, उन्होंने बोले कि भाई हम आप लोगों को सहकार्य कर रहे हैं, आरोपी को हम पकड़ रहे हैं, तो आप लोग हमको सहकार्य करो, क्योंकि एक दिशा में जाना चौकसी दूसरी जगह चल जाएंगी। हम लोगों को जाकर वहां पर चौकसी करना है, अंबाड़ी जाके जो आरोपी उनको पकड़ना है। यहाँ पर गांव बंद करेंगे तो पूरी फोर्स यहाँ आ जाएगी, फिर हम लोग पकड़ने में तकलीफ हो जाएगी। तो उसके लिए गांव बंद मत करो, अपने को जिसने गुनहगार किया गुनहगार को पकड़ना है, चौकसी करना है, गांव बंद करके कोई हासिल होना नहीं। हाँ, आरोपी नहीं मिलता था तो उसको अटक करते, उसको जो करते थे, मैं तुम्हारे साथ में था, पर आज आरोपी मिल गया और जो जो आरोपी हो साथ में कोई साथ दिए उसको पकड़ने का कोशिश करना है। पुलिस लोगों को जाकर इंतरना वहां देखना है, चौकसी करना है। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग गांव बंद करने से मत जाओ, पुलिस को सहकार्य दे करो, हम लोगों को भी हमारे पे विश्वास रखो। कुछ अड़चन बताओ आप उसके लिए, जो लोग सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग बंद करने का कर रहे, कुछ कर रहे, बोलना आसान है, बाद में कुछ घटना घटती उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। हमने देखे वाले वो घटना क्या होती क्या नहीं, ऐसी गलती मत करो। उसमें से कोई भी एक आदमी गलत काम कर देता है तो पूरे इस पे दाग लग जाता है, एक तरफ तपास जाए बदले दूसरी तरफ तपास चला जाता है। उसके लिए बोल रहा हूँ कि किसी के इससे मत करो, अपना जो ये था इरादा था, जिसने किया है, जो गुनहगार ने गुनाह किया, सजा मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके साथ में हूँ, इतना कहता हूँ कि आप सभी को फिर एक बार विनती करता हूँ कि कल गाँव में सहभाग कोई मत करो। अभी जो मैयत हुई है उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्त अहबाबों को, उनको क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि अभी कुरैशी बिरादरी है, वो उनको क्या अपील करना चाहते हैं? बेचारे एक बहुत भोले लोग है, कुरैशी समाज के जो लोग हैं बेचारे, रोज मजदूरी रोज मजदूरी करने वाले, काम करने वाले, मिस्त्री काम करने के लोग काम अपनी जिंदगी बिताते हैं। मैं वो वार्ड का मेम्बर हूँ, उनकी मैं गरीबी जानता हूँ, बेचारे गरीब लोग है, उनसे मैं जो घटना नहीं घटने वाली थी, जो बेचारा बच्चा एक ही घर में काम करने वाला था, उसकी एक छोटी बहन है, वो बेचारी शादीशुदा होने बाकी है, बाकी 3 महीने शादी हुई, पूरी जिम्मेदारी इसके इस पर थी। एक मेहनती बच्चा गया, मेरा एक कार्यकर्ता गया, मेरे को उससे हमदर्दी है, मैं उसका एक भाई गया, बहन का उस जगह पे मैं भाई हूँ, उसको जो भी मेरे से मदद लगती है मैं मदद करूँगा और आरोपी को मैं सजा दिला दूंगा और इस बेचारे को जो मासूम बच्चा था उसको मैं न्याय दिला करूँगा। क्या आपको लगता है कि अभी जो माँ बाप है उनसे गुजारिश करता हूँ, उनके फैमिली से गुजारिश करता हूँ, जो गए वाली चीज़ है अल्लाह से दुआ कीजिए उसकी मगफिरत हो। इंशाल्लाह वो शहीद है, आज उसको मारा गया है, वो शहीद है, उसके लिए दुआ करो, इंशाल्लाह उसकी मगफिरत हो। इतना ही कहते हैं, मैं आप सब लोगों से आपके जरिए मैं अपील करता हूँ। थैंक यू।